पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद NH-24 रामपुर रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार युवक की ट्रक के नीचे आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल ट्रक के अगले हिस्से में मोटरसाइकिल को घसीटते हुए ट्रक काफी दूर तक गाड़ी को अपने अगले हिस्से से ले गया, जिससे गाड़ी के पेट्रोल लीकेज होने की वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई। मक्का की बोरियों से भरे ट्रक पर आग ने काबू पाना शुरू कर दिया। आनन फानन में दमकल विभाग फायर ब्रिगेड को राहगीरों की मदद से सूचना दी गई। सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके वारदात पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद भीषण आग पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, जिसमें रोड पर काफी टाइम तक जाम का माहौल बना रहा और पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। मरने वाले युवक की शिनायत नहीं हो पाई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुरादाबाद PM के लिए भेज दिया। मेरा बिरेंद्र सिंह नाम है। सर, ये जो हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या मामला है? सर, ये हादसा क्या था, ओवर स्पीड पर बाइक थी, बिना हेलमेट की थी और पीछे से ये ट्रॉलर वाले ने, ये भी ओवर स्पीड पर ही था और ड्राइविंग वगैरह किया हुआ था शायद, तो इसने पीछे से बाइक हिट कर दी और बाइक में आग लग गई, उसके बाद फिर गाड़ी में आग लग गई। क्या बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी मुकदमा? सर, ये हमसे पहले केस अटेंड पुलिस वालों ने किया था और पुलिस वालों को ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है कि क्या हो पाया। हमको सूचना मिली कि एक ट्रक में आग लगी है, तत्काल हमारी फायर सर्विस की यूनिटें हमने रवाना किया और दो गाड़ी हमारी मौके पर पहुंची। देखा कि जो एक ट्रक है इसमें कुछ थोड़ा सा वो भरा हुआ था जो मक्का होती है, दिल्ली की तरफ को जा रहा था बरेली की तरफ से आते हुए, और सुनने में आया कि एक मोटरसाइकिल थी, उससे एक्सीडेंट होने से जो उसका पेट्रोल वगैरह निकला है तो आग लग गई है और एक्सीडेंट में उसकी मौके पर ही बता रहे हैं कि जो बाइक वाला था वो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उसकी, और उसकी आग को हमारी यूनिट ने बुझाया था और आग बुझाने के बाद में हमारी यूनिट यहाँ से रखा। सर, कितना समय लगा था आग बुझाने? आग बुझाने में मैं समझता हूँ कि लगभग 20-25 मिनट तो कंट्रोल हो गया था, क्योंकि अनाज की बोरियां थी उसमें मक्का की, तो दो गाड़ी हमारी यहाँ पर आग लगे। तो सर, ये सड़क हादसा जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? सर, कौन सी जगह? ये मोना पांडे में ही पड़ता है।